किसी, ये एक तरह का हमारा रजिस्टर है। रजिस्टर के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये सीपीयू के अंदर कुछ छोटी सी मेमोरी होती है और ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करती है। एड्रेस क्या होता था मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि किसी जैसे हर मेमोरी लोकेशन का कुछ नंबर होता है जिससे उस लोकेशन को हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसी को हम लोग एड्रेस कहते हैं। तो प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है, अगला इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला, करंट नहीं, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने को है उसका एड्रेस ये स्टोर करता है। अब देखिए एग्जांपल के तौर पर हमने 4 इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। सपोज हमारा जो ये मेमोरी है इसमें 4 लोकेशन 1, 2, 3 इंस्ट्रक्शन I1 इस लोकेशन में, इंस्ट्रक्शन I2 इस लोकेशन में, इंस्ट्रक्शन I3 इस लोकेशन में, इंस्ट्रक्शन I4 इस लोकेशन में। इस लोकेशन का मेमोरी के इस लोकेशन का एड्रेस है 500। इस लोकेशन का एड्रेस है इस लोकेशन का एड्रेस है 5002। इस लोकेशन का एड्रेस है 5004। इस लोकेशन का एड्रेस है 5006। मान के चलिए कि अभी हम इंस्ट्रक्शन I1 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इसके बाद इंस्ट्रक्शन I2 को एग्जीक्यूट होना है, तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर हमारा I2 का एड्रेस स्टोर करेगा। I2 कहाँ पर है? 502 में। तो हमारा प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर की वैल्यू होगी 502। अब मान लीजिए कि हमारा इंस्ट्रक्शन I1 एग्जीक्यूट हो गया, अब इंस्ट्रक्शन I2 एग्जीक्यूट हो रहा है, तो I2 के बाद अगला इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होना है वो I3 है, तो I3 का एड्रेस क्या है? 504। तो अब मेरा प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 502 से लेकर के 504 हो जाएगी। अब जब I3 अपना एग्जीक्यूट हो गया तो अगला इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होना है वो I4 का, ठीक है। जब हमारा I3 एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या होगी? अगला इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। जब हमारा I3 एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू क्या होगी? इसके बाद का इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो कि I4 है। I4 का एड्रेस क्या? 503। जब I3 एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या होगी? 50। I4 का एड्रेस क्या है? 506। I4 का एड्रेस क्या है? 506। ओके, थैंक यू।